भी मेरे साथी हैं, मैं आज एक सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। आज कोई भर्ती के बारे में नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग हमारे जैसे ही होंगे। तो आप सभी के घरों में ये जो आप पौधा देख रहे हैं, लौकी का, खीरे का, कद्दू का, ये सब हर किसी के घरों में लगा होता है और लोग लगाते हैं खाने के लिए। तो एक सीक्रेट बात यह है कि सच में अगर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा अगर आप करेंगे, ये देख रहे हैं आप पेप्सी की बोतल है माजा की, और इसको जड़ में डालने से क्या होता है, आपने सही पढ़ा था थंबनेल पे कि पेप्सी को जड़ में डालेंगे तो उसका क्या बेनिफिट है, कभी आपने ट्राई नहीं किया होगा। लेकिन उसमें कुछ और भी मिलाना पड़ता है, और पूरा पेप्सी नहीं होता है, उसमें कुछ मिलाना होता है। तो मैं आपको आज सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, और इसे फालतू की वीडियो ना समझ करके मतलब अच्छा से देखने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो किसान लोग होंगे, जो मेरे भाई हैं, मित्र हैं, वो किसान हैं, वो खेती बाड़ी भी करते होंगे। तो देखिए, मैं ये जड़ है जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये जड़ है, ये है खीरे का जड़। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ये थोड़ा सा डाल देता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पहले कर चुका हूँ, इसके फल भी आ चुके हैं। और एक कोई ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, ये छोटा सा ही पेड़ है, मतलब दो एक एक दो तीन ही तीन पेड़ है ये खीरे का, लेकिन इतना ग्रोथ हुआ है, इतना ग्रोथ हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे भाई लोग समझ पाएँ। देखिए, इसमें कोई कारीगरी नहीं है, आप खाद डालेंगे, दवाई डालेंगे, ये वो डालेंगे तो उससे नुकसान भी होगा क्योंकि खाने वाली चीज़ है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये खाद वाद नहीं है और ना ही इसमें कुछ करना है, ठीक है। तो इसको देखते रहिए, मैं छिड़काव थोड़ा कर देता हूँ वीडियो के साथ साथ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नोजल आप देख रहे हैं, ये काफ़ी आसानी होती है इसे छिड़काव करने में। जो लोग वो सैलून में आपने देखा होगा, जो सैलून होते हैं वहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलता है, पानी जो पिचकारते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाता है, ये 20-25 रुपए में मिल जाता है, ठीक है। और इतने इसमें बढ़िया बात यह है कि इसको आप पेप्सी की जो बोतल की साइज़ होती है उसमें आप इसको फिट भी कर सकते हैं, ठीक है, आराम से फिट कर लीजिए। और जिस पौधों पे जो छिड़काव करना है वो आप कर सकते हैं। इसमें से थोड़ा दवाई में निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ज़मीन पे आप देखिए, शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से बूंदी पे ये इसका वो हो रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये कीटनाशक है, मतलब कि कीटाणु भी अगर आएंगे आपके अगल बगल नहीं होने होंगे तो वो मर जाएंगे और घास वास कुछ नहीं होगा अगर इसको आप छिड़काव करते हैं। तो ये देखिए, पेप्सी की जो बोतल है होती है, तो उस बोतल में जो माजा वाली बोतल होती है उसमें से थोड़ा सा, मतलब कि आधा एक ढक्कन, मतलब उसमें जो रह जाता है उसी में ये जो नीम के आप पत्ते देख रहे हैं, इसको पीस करके, नीम के पत्तों को पीस करके और इसको बिल्कुल बारीकी से माहिनी करके, ये आप देख रहे हैं लकड़ी वकड़ी निकाल कर सिर्फ पत्तों को इसको इकट्ठा करके, इसको पीस करके और इसमें मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और जो माजा वाली मैं बताया हूँ वो बिल्कुल थोड़ी सी है, मतलब एक ढक्कन के करीब करीब जो बच जाता है उसमें वो। और काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पेप्सी से क्या कनेक्शन है, होता है दोस्त, क्योंकि पेप्सी में कुछ ऐसी लिक्विड, ऐसी केमिकल होती है जिसके वजह से ग्रोथ होता है, ठीक है। तो मैंने खुद का एक्सपेरिमेंट इसमें किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप ही ट्राई कीजिएगा यदि आपके। ये देखिए कितने फल आए हुए हैं, ये देखिए, मैं बहुत फल आए हुए हैं यार, बता तो रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा फल आया हुआ है। और आप ये इसको कद्दू में, लौकी में, खीरे में, मिर्ची में भी मैं यूज किया हूँ, मिर्ची में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पपीते के पेड़ में भी इसको मारा था दवाई, मतलब इसी को पीस करके उस पर घोल मारा था, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ सच में ये काम करता है। और मेरी वीडियो यदि समझ में आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि देखिए, ये जो मेरा ये खेत है, कहाँ गया, ये है, ये बोतल है, और चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कितने फल साले आ गए हैं, मतलब बहुत सारे फल आ गए हैं। ये देखिए, पहले मैं आपको इस पर एक वीडियो भी बना के दे चुका हूँ, ये देखिए इसमें फल नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने इसको छिड़काव किया ना इसमें, तो सारे फल फूल गिरने जो गिर रहे थे वो रुक गए, और इसमें फल भी आ गया है, ठीक है, काफ़ी फल तुड़ाई भी हो चुकी है। और ये जो मिर्ची की पौधा है, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, ये तो कटहल का है, इस पर भी मैंने थोड़ा छिड़क देता हूँ ताकि इस पर वो बने रहे, बरकरार रहे।
कीड़े भी नहीं आते ना इससे, फल तो आते हैं साथ में कीड़े उकड़े भी, मतलब कीटनाशक का भी काम करता है। ये देखिए मिर्ची का पौधा है, इसमें मैंने जड़ में डाला था पहले, और अभी ये फल से मतलब बिल्कुल फल और फूल से भर चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो, शायद आपको दिख रहा होगा। और इसको लौकी है ना, कद्दू सब पे जड़ों में डाल देंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और क्लीन हो जाएगा और साफ़ सुथरा रहेगा, और इतना ज़्यादा फल आएगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्त मेरे आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ आपको एक नया तरीका बताता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी मित्र हैं सबको सच्चाई मालूम हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।